नमस्कार। आज एक नए शब्द से शुरुआत करें। माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के पहले रूप का प्रयोग माइट के साथ कब करते हैं? तो संभावना व्यक्त के लिए, कम संभावना व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आज एक नए तरीके से हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। अब वो नया तरीका क्या है, उदाहरण में आप समझ लीजिएगा। देखिए, वह शायद भूखा होगा। अब इसे हम अपने मातृभाषा में देखें या कहें डायलॉग में देखें तो ओ हर भूखाए होगी। अब इस शब्द को बच्चों को समझने में तो तकलीफ नहीं होगी, ओ हर भूखाए होगी, ये तो हम डेली यूज कर रहे हैं। अब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, अब किसके साथ, माइट के साथ क्रिया का पहला रूप लगा के, तो देखिए ही माइट बी हंग्री। अब देखिए कितना सरल होगा, ओ हर भूखाए होगी, ही माइट बी हंग्री। और उदाहरण से देखें, देखिए मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं, ठीक है। अब इसी को हम अपने अपनी भाषा में देखें क्या कहें, तो मोला टाइम मिली था वहां जा सकत हां, या फिर इसको हम समय कह सकते हैं, टाइम भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगहों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, तो इसलिए टाइम शब्द को यहां लिख गया हूं। तो मोला टाइम मिली तो वहां जा सकत हूं, संभावना व्यक्त करा थी, संभावना कम है ना, काबर की टाइम मिली तो वहां जाए, मुझे समय मिला तो वहां जाऊंगा। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन, तो मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां तब वहां जा सकत हूं। अब देखो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई मैं मतलब है आई माइट, माइट के साथ क्रिया पहला रूप, आई माइट गो कहां, देयर वहां, आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सका था, कब, इफ, कब जा सका था, कब जा सका था, इफ आई गेट टाइम, मोला टाइम मिली था, समय मिली था वहां जा सकता था। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, उसे इस बारे में जानकारी हो सकता है। अब देखें तो ये ओहर एक हर बारे में जान सकत है। अब देखो इसी को अंग्रेजी में, तो उसे ओहर ही he might अब क्रिया के पहला रूप नो, he might नो, सम नॉलेज अबाउट दिस, एक हर बारे में, अबाउट दिस ओ हर he might नो। तो इस प्रकार से उसे इस बारे में जानकारी हो सकता है, ही माइट नो सम नॉलेज अबाउट दिस, ओके। तो ये हुआ माइट का। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके रीजनल भाषा में उसको आपको समझाने का प्रयास करूं और आप सरलता पूर्वक अंग्रेजी को सीखें और अपने जीवन में उसका उपयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।